चीन से फैला हुआ कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले रहा है। इंडिया में लगभग 300 से भी ज़्यादा केस ऐसे हैं जो कोरोना से पॉजिटिव निकले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चुनार के उस इलाके में जहां अमूमन रोज़ सैकड़ों की संख्या में लोगों की चहलकदमी होती है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि इधर इस रूट से लेकर उस रूट तक पूरे रास्ते बिल्कुल साफ हैं और सुनसान हैं। चूँकि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आह्वान किया था, जनता से अपील की थी कि आप अपने घरों में 22 मार्च को लॉकडाउन हो जाए सुबह 7 बजे से, तो लोगों ने नरेंद्र मोदी का सम्मान किया है और आज आप देख सकते हैं कि हर दिन सैकड़ों की संख्या से पटा होने वाला ये चुनार बाज़ार आज बिल्कुल वीरान और सुनसान पड़ा है। सुबह से पूरी जो रोड थी, दुकानें थी, लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन अभी शाम 5 बजे के बाद, चूँकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप थाली बजाकर उन लोगों का सम्मान करिए जो इस कोरोना वायरस से या सेवा लोगों को दे रहे हैं, बिना इसकी चिंता किए कि उन्हें भी वो वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। उसमें हम कह सकते हैं कि आज लोगों ने डॉक्टर्स और प्रशासन और ऐसे लोगों के लिए अपना सम्मान है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये जनता कर्फ्यू उन्होंने अपने खुद के लिए लगाया वो सही था या नहीं। भैया आपका नाम? हमारा गौतम यादव नाम है भैया। भैया आज सुबह से ही लोग अपने अपने घरों में बंद थे, लॉकडाउन थे, आप अभी बाहर आए हैं, तो कैसा लगा दिन भर घर में? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा नहीं लगा, ये सोचे मतलब भीड़ भड़का बहुत कम हो गया है अब सुबह का टाइम मतलब। भैया चूँकि आपको वायरस के जो भारत में केस है वो लगभग 300 के पार चले गए, उस माहौल में आप बिना मास्क के यहाँ बैठे हुए, क्या आपको लगता है चुनार में अभी कोरोना वायरस नहीं आ सकता? नहीं, क्यों, कोई कहल नहीं जा रहा, वो आ भी सकता है भाई, वो तो आदमी को बहुत लोग है, वो कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपने ही मास्क नहीं लगाया है तो क्या आपको नहीं होगा? ऐसा कि पास में था भाई, एक लड़का लेकर चल गया आ रहा है वो, तो फिर हम भी लगा। चलिए, तो लोग खुद से खुद के लिए अवेयर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक युवक है जिन्होंने खुद पे मास्क लगाया हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को लगता है कि यहाँ कोरोना वायरस नहीं फैल सकता।